पारी के दौरान लगातार ये बात कर रहा था कि इलाहाबाद की जो टीम है निश्चित तौर पर इतनी आसानी से इस मैच को जाने नहीं देगी। तो रोमांच बरकरार इसी बीच में अगली गेंद और इधर फिर से खेल दिया से फाइनल की दिशा में, दर्शक भी देख रहे हैं, खिलाड़ी भी दौड़ रहे हैं और जब तक की गेंद फील्ड रहती है चार रन मिलता है यहाँ पे। और क्या खूबसूरत अंदाज हमारे एम्पायर महोदय का मुख्य निर्णायक की भूमिका में हमारे मिश्रा जी एक अलग ही अंदाज में इशारा करते हैं तो उसका भी लुत्फ ले रही है यहाँ मौजूद तमाम दर्शक। आशीष जी बिल्कुल सत्यम सिंह का ये पहला ओवर, हमें लगता है कि इलाहाबाद के बहुत सारे समर्थक भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। पिछले छक्के के शोर से पता चला था कि यहाँ पे इलाहाबाद के समर्थक ज्यादा है। एक बार फिर गेंद को खूबसूरती के साथ खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब, जब तक गेंद को किधर किया जाता थ्रो किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन जो है वो अंपायर को भी परेशान करेगी, गेंदबाजों को भी परेशान करेगी, फील्डरों को भी परेशान करेगी। इस समय स्कोर जा पहुंचा है तेजी के साथ, पहला ओवर है ये 11 रन 190 रनों का पीछा कर रही है निर्धारित 15 ओवर में टीम इलाहाबाद। जी बिल्कुल टीम सपोर्ट की बात चल रही थी, मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा लगातार 7 बार दर्ज कर चुकी है जीत सिक्का की टीम। हालांकि यहां पर बिशनपुरा की टीम फाइनल खेल रही है लेकिन बिशनपुरा की एक आदर्श में आशीष जी ज्यादा एक रोकूंगा मैं एक सेकंड के लिए आपको, एक अनोखा पुरस्कार आया है सत्यम सिंह के एक ओवर में 3 छक्का अगर कोई भी बल्लेबाज लगाता है तो बड़े भाई अनुप जायसवाल की तरफ से 1,000 रुपए का पुरस्कार। और शोर से आपको अंदाजा लग सकता है जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे शानदार वापसी मैं कहूंगा। हालांकि कुछ गेंद बाउंड्रीज जरूर लगे थे लेकिन बात तो आप टीम सपोर्ट की चल रही थी, उस बात को मैं और फिल्टर कर दे रहा हूँ आशीष जी। जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहा था पिछले 7 जो सीजन हुए हैं वहां पर सीटा की टीम ने जीत दर्ज की है लेकिन अभी जो टीम फाइनल में आपको क्षेत्ररक्षण करती हुई दिख रही है उसमें ज्यादातर जो खिलाड़ी है एक ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 11 रन। सत्यम सिंह अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो अनुप भैया की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार। जी तो मुझे लगता है जो गेंदबाजी के लिए वो आएंगे। मैं बात कर रहा था कि सिक्का की टीम की, जी बिल्कुल, तो सिक्का की टीम अभी 7 जीत दर्ज कर चुकी है लेकिन अभी वो खेल रही है बिशनपुरा एकादश की तरफ से। तमाम ऐसे स्टार खिलाड़ी इस समय हमारे बिशनपुरा की टीम की तरफ से खेल रहे हैं तो एक जिंदा दिली का सबूत आप देख सकते हैं। बैलेंस बना के बॉलिंग पे आए मुलायम सिंह बैटिंग कर रहे हैं सत्यम, जो अच्छा खेलेगा उसको पुरस्कार सिसवा बाजार से मिलेगा। ये सिसवा बाजार की अपनी एक अलग पहचान है और ये परंपरा न जाने कितने वर्षों से लगातार चलती आ रही है। अनुप भैया ने 2100 रुपए का पुरस्कार रखा है हैट्रिक विकेट पर मुलायम आया है गेंदबाजी के लिए। मुलायम का स्वागत इस शानदार बाउंड्री से किया है अंपायर के इशारे के मैं प्रतीक्षा करूंगा। अंपायर मिश्रा जी का इशारा 4 रन, मिश्रा जी ऐसा लगता है खुद मारे हैं चौका, शानदार अंपायर बिल्कुल उनको देखना दिलचस्प होता है। और तमाम खिलाड़ी जब अपने बल्ले से गेंद को सीमा रेखा के बाहर जब भेजते हैं उनका जो चीर प्रतीत अंदाज अभी आपने जिक्र किया था बिल्ली बहादुर का बिल्कुल उसी अंदाज में इशारा करते हैं। तो मैं बात कर रहा था मनोवैज्ञानिक जीत की, तो तमाम ऐसे दर्शकों से मेरी बात इन्हीं के दौरान बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि इस बीच में देख सकते हैं अखिलेश लेवल की जो फील्डिंग कर रहे टारगेट दिया है 15 ओवर में 190 रन का। मंजीत सिंह जब से बल्लेबाजी के लिए मैदान पे आए हैं खुद कप्तान है विकेट कीपर है और खुद बल्लेबाजी के लिए मैदान पे उतरे हैं, क्या शानदार बल्लेबाजी। मुलायम के गेंद पे अगर आप इतना बड़ा दिल दिखाते हुए छक्का लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रतिभा पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। मुलायम जी बिल्कुल मिश्रा जी
कई सारा करने का अंदाज बिल्कुल अलग और अनोखा है। तीन गेंद पे दो सिक्स और एक चौके लगा के खेले मनजीत सिंह और 15 ओवर में बनाने 190 रन। जो बात निकल के आ रही है तमाम ऐसे दशकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हर बार सिक्का की टीम जीत रही है। 28 रन दूसरा ओवर चल रहा है हो सकता है जिस हिसाब से मुझे लगता है आशीष जी बल्लेबाजी हो रही है। प्रदीप भाई एकदम बढ़िया हूँ भाई। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रहे तो मुझे लगता है कि ये कब तो संगम नगरी में जाने वाला। सत्यम सिंह के एक पे कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाता है तो उनके परम मित्र आकाश जी के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार हर छक्के पे। 51 रुपया रवि अच्छी फील्डिंग तालियां सबके लिए बजनी चाहिए। ये देख सकते हैं यही है भाई अखिलेश जो की नीति टीम है और बहुत अच्छे इंसान भी है। ये समर्थन इसलिए कि हमें नया नया चैंपियन चाहिए जी बिल्कुल। आपको मैं गलत साबित करना चाहूंगा इस समय दर्शक जो है वो सपोर्टर तो है हमारे पिछड़ा पूरा के और तमाम सिक्का की मिश्रित टीम के। आओ इस देख लीजिए जब छक्के लगते हैं जब चौके लगते हैं उसके बाद से क्या अंदाज रहता है हमारे दर्शकों का तालियां और फिर होती आप देख लीजिए। सहलाते हुए गेंद को छक्का लगाया बिल्कुल सिर्फ इस छक्के में ताकत नहीं थी कलाश की। निकालिए कॉपी और लिख लीजिए इस शॉट को ये क्रिकेट के बुक में कहीं नहीं मिलेगा इतना खूबसूरत शॉट। आप देखते रहिए बस आशीष जी आप पटाने से चल के आए मैं तो सिसवा का घरेलू मतलब लोकल बॉय जो आप कहते हैं मैं इस बात का मतलब गवाह हूँ इतिहास भी रहा है यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है वो कभी मुझे लोकल